मैं पहले दिखा रहा हूँ। एक 90 रन के साथ अगर नी मजबूत होगी तो इमारत खड़ी खड़ी हो सकती है। कोई डायलॉग मार रहा है। थोड़ी सी तब्दीली करते हुए देखते हुए कि फील्डर कहाँ किस दिशा में खड़े हुए हैं। एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, धीरे धीरे करके खेलना चाहते थे। माफ करना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे पेज में हो चुकी थी इसलिए हम आपसे जुड़ नहीं पाए थे आखिरी मैच के कुछ क्षणों में। बहुत ही रोमांचक वो मैच हुआ कलियर और मंगलोर के बीच में। मंगलोर को जीत के लिए एक ओवर में 8 रन चाहिए थे और बहुत ही अच्छा ओवर डाला मंगलोर कलियर की तरफ से और एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे और उस बॉल पर कैच आउट हो गए मंगलोर के खिलाड़ी और कलियर ने वो मैच बहुत अच्छी तरीके से जीत लिया। रामपुर को रोकना होगा और ये मैच चल रहा है क्वार्टर फाइनल मैच रामपुर वर्सेस सालियर के बीच में। रामपुर वर्सेस सालियर के बीच ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच, एक ओवर अभी तक हुआ है। राजे का अगर बॉल कराएंगे तो हाथ उठाएंगे। ओके, अपने स्पेल का दूस अपने स्पेल का पहला ओवर डालेंगे राजे। गांव में हो रही है पहला ओवर किया आजम ने, बहुत महंगे साबित हुए। एक ओवर में 9 रन दिए। किसकी लड़की? अच्छा भाई इतना रोमांच। एक बार फिर चलना शुरू किया भाई, माफ करना बहुत बहुत क्योंकि यार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी पेज के अंदर जिस वजह से लाइव तो चल रहा था लेकिन वो दिखा नहीं रहा था किसी को भी। अगर कीपर को कलर चाहिए तो भाई टांडा बहुत आराम से जीत गया था, 30 रन को अलॉट कर दी थी उसको खेलपुर की टीम को आमिर कौर। कलियर जीत गई, हाँ भाई कलियर जीत गई, बहुत रोमांचक मैच हुआ। एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे कलियर मंगलोर को और वो कैच आउट हो गया उसी बॉल पर। मंगलोर जीता भाई पिछला मैच नहीं, कलियर 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 जीत गया, बहुत रोमांचक मैच था। एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे और एक ओवर में 8 रन चाहिए थे। राजीव इकबाल फिर एक बार फिर खुर्शीद के लिए और अच्छी बॉल। अपील और अंपायर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं अपील के अंदर। भाई बिजोली का मैच शायद कल है भाई। कलियर और मंगलोर का मैच में कलियर जीत गई बहुत अच्छा, 1 रन से जीत गई कलियर। अभी रामपुर और सालियर का मैच चल रहा है, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भाई फर्स्ट इनिंग रामपुर की है। बिजोली का मैच कल है भाई। राजीव एक बार फिर खुर्शीद के लिए छोटे से रनअप से बॉल डालते हैं, अच्छी स्पीड के साथ बॉल डाली और 1 रन, थोड़ी स्पीड और ये आउट हो सकते हैं और ये अच्छी अच्छा बैकअप किया कीपर ने। निराश होंगे शोएब, अच्छे बल्लेबाज है अपनी टीम के लिए शोएब। एक मैच में इन्होंने अकेले ने अपनी टीम को जीत की तरफ पहुंचा दिया था लेकिन दुर्भाग्यवश बाउंड्री पर कैच आउट हो गए थे। अभी पहली नहीं है भाई, कोई टारगेट नहीं है अभी, लगता है थोड़ा इंजर्ड हो गए शोएब रामपुर के जो मेन बल्लेबाज। बैटिंग मार कर जाते हुए भाई कलियर जीत गई 1 रन से, एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे। अभी भाई कोई डिसाइड नहीं है किस टाइम है मैच, शायद पहला मैच हो या दूसरा मैच हो, 6 से 9 के बीच में कभी भी हो सकता है। राजीक शोएब के लिए और द विकेट, छोटे से रन से एक बार फिर दौड़ना शुरू किया और बॉल, बहुत बड़ा विकेट सालियर के लिए, बहुत अच्छी बॉल टप्पा खाकर बॉल अंदर आई और समझ नहीं पाए शोएब बिल्कुल भी, काफी निराश होंगे अपने शॉट से। अक्रॉस द लाइन खेल गए बॉल के, सीधे बल्ले से खेलना था और अक्रॉस खेल गए
और आउट। टोल्या नहीं है भाई, शायद टोल्या नहीं है स्क्रीन। सुनहरे का मैच भाई कुछ पता नहीं, कल भी हो सकता है और परसों भी हो सकता है। भाई कल माफ करना यार, क्लियर के मैच के जो लास्ट मोमेंट थे ना वो शूट नहीं हो पाए, लाइव नहीं आ पाए उस समय क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी कुछ पेज के अंदर। मतलब लाइव तो चल रहा था लेकिन किसी को दिख नहीं रहा था, फोन में दिख रहा था कि यहाँ लाइव चल रहा है लेकिन दिख नहीं रहा था किसी को भी जो हमारे लाइव दर्शक हैं। धीरे धीरे हमारे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई, क्लियर जीता भाई एक रन से और अच्छी बॉल राजीव की, हल्के हाथ से खेला, अच्छी तरह फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं किसी के साथ। जुड़ते जाए भाई जल्दी जल्दी से, शेयर करते रहो। हाँ भाई एलडीएस बाहर है, मोबाइल तो सही है यार। अच्छी बॉल राजीव के द्वारा, सही तो यार फोन। भाई फाइनल दो से तीन दिन में हो जाएगा, फाइनल दो से तीन दिन में हो जाएगा भाई। क्लियर वाली वीडियो, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल शूट हो रखी है, हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे उसको। वो लाइव नहीं, वो दूसरे फोन से सिर्फ वीडियो बनाई थी हमने, एक बॉल लास्ट बॉल, उसको हम जल्दी अपने पेज पर अपलोड कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अर्श अली हम क्लियर वाली वीडियो जल्दी ही अपलोड कर देंगे अपने पेज के ऊपर। आप सारी रात जागने के आदी हो ये दर्शक नहीं, आप जब खेलने नहीं आते भाई कुछ पेज के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लाइव तो चल रहा था लेकिन किसी को दिख नहीं रहा था, खेल लिया जाए पर यहाँ दर्शक, यहाँ पर दर्शक आपके मैच के इंतजार में। बॉलर नेम बताइए भाई, राजीव मंसूर, एंगल तो ठीक है मोनिश अली भाई, अच्छी बॉल मंसूर के द्वारा, काफी पुराने बॉलर हैं मंसूर सालियर की तरफ से। इतने छोटे लेवल का नहीं है, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करता है, पिछले मैच में यहाँ पर खेले और हाँ ये वही बल्लेबाज है, इन्होंने पिछले मैच में 58 रन बनाए थे, बहुत अच्छा खेलते हैं, लॉन्ग ऑन की तरफ बहुत अच्छे लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। भारी एक्सपीरियंस इनके पास, उम्र में तो ये दादा लगते हैं पर इनको सम्मान में सिर्फ चाचा कह दिया जाता है। और अच्छे तरीके से खेला, डिफेंसिव एक रन और हल्की सी मिसफील्ड लेकिन बैकअप पर फील्डर मौजूद। काफी बेहतरीन यहाँ पर चलता हुआ ये टूर्नामेंट एमपीएल का अपने अंतिम पड़ाव पर, क्वार्टर फाइनल के ये मैच चलते हुए इसके बाद जितना ऐसा पहला मैच पर क्वार्टर फाइनल समाप्त हो जाएगा। 47 काफी बेहतरीन गेंदबाजी, वैसे वो चक्का दिया चाचा खुर्शीद को, खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप पर, फिर से पूरी तरीके से भाई बॉलर की साइड से, तो यार सही तो दिख रहा बॉलर की साइड से, ऐसा मैच ये लो भाई थोड़ा सा और अब ठीक दिख रहा क्या भाई, बीच में देखने को मिला दर्शक कोई चाहते हैं आशिक और हम तो चाह रहे थे किसी तरह से सुपर ओवर हो जाए। और कैच, ओ बहुत अच्छा कैच कीपर द्वारा, बहुत ही अच्छा कैच, एक हाथ में ऊपर की तरफ बॉल जा रही थी और अच्छा कैच पकड़ा और खुर्शीद जो की टीम के कप्तान है आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, और खुर्शीद के बाद नूरा बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आ रहे हैं, दोनों ही सीनियर प्लेयर अपनी टीम के, माधोपुर के मेन खिलाड़ी एजाज पिच को देखते हुए, एजाज जो कि पिच का मुआयना करते हुए, टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया,
अली हसन अली शान भाई पिछले मैच का यार क्या बताऊं, लास्ट बॉल की वीडियो अपलोड कर देंगे यार वो मैच, क्या बताऊं वो टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी, लाइव तो चल रहा था लेकिन वो दिख नहीं रहा था किसी को भी। मामूल बड़े बड़े बल्लेबाज अभी उनके टगआउट में मौजूद है। एक रन से जीता भाई क्लियर, समझ में नहीं आई, एक बॉल पर दो रन चाहिए थे। नहीं बताता आप यहाँ खेलने को क्यों नहीं लेके आ रहे, आप यहाँ सिप्पू को क्यों नहीं लेके आ रहे, आप यहाँ साहिल और सुनील को क्यों नहीं लेके आ रहे, बड़े बड़े बल्लेबाज अकेले ट्रॉफी और ये ट्रॉफिया है जो फाइनल में दी जाएगी। और भाई मैदान में ट्रॉफी आ चुकी है जो फाइनल में विनर और रनर अप को दी जाएगी। हमारे दाई तरफ और मंसूर की बॉल अच्छी बॉल शॉर्ट बॉल नूरा तेज से घुमाना चाहते थे, एक बाउंस अंपायर का इशारा। भाई अपना फोन रोटेट कर लो यार, ये एमसीएल कप है, एक आपको रनर पर टीम के लिए बड़े वाला आपको विनर टीम के लिए देखने को मिलेगा। सही दिख रहा है यहाँ पर, मैं हमने दूसरे फोन में चलाया देखा, सही दिख रहा बिल्कुल। और अच्छी बॉल एक बार फिर मंसूर द्वारा, बहुत ही अच्छी बॉल डाल रहे हैं मंसूर, बेहतरीन यहाँ पर चलता हुआ ये दिखेगा। भाई अपना फोन नोटेट करो तभी तो दिखेगा भाई। समाप्ति के बाद अगला मैच नहीं है भाई किसी का, क्लियर जीता भाई एक रन से। रनर अप टीम का मैं सोच रहा वैसे ये तो और मुहर में देख रहे हैं आप विनर टीम का, एक आधा का मैच यहां को एमसीएल के अंत में फाइनल सुनहरे का मैच भाई शायद कल हो सकता है। चलिए भाई आपके दर्जा तीन ओवर की समाप्ति के बाद 150 से ऊपर लोग मसाज जीत चुके हैं। रामपुर का स्कोर फाइनल भाई 2-3 दिन में चलेगा, आपके दर्जा फोटो खींच लो बस, सही चल रहा है जब तक के लिए मैं ले लूं। ये मैच भाई सालियर वर्सेस रामपुर, रामपुर पहले बैटिंग करती हुई और ये चमचमाती ट्रॉफी मैदान में आ चुकी है जो फाइनल फाइनलिस्ट और रनर अप को मिलेगी, बहुत ही अच्छी ट्रॉफी है ये। चलिए भाई भाई सर पे रख के ले गए फिर अपने सर पे दर्शक देख लीजिए ये है वो एमसीएल की ट्रॉफी जो फाइनल में जो यहाँ पर विनर होगा उसको दी जाएगी और जो रनर पर टीम होगी उसको दिया जाएगा और इसके साथ में 61,000 रुपए और 31,000 रुपए और मैन ऑफ द सीरीज एक साइकिल। भाई डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है किसका मैच चल रहा है, बार बार मत पूछो क्या देती है फाइनल में। सिब्बू भाई पता नहीं यार सिब्बू है नहीं है शायद नहीं क्योंकि लास्ट मैच में सिब्बू की हाइट की बराबर लाई गई, अखरोट भी दिए जा रही है एक बड़ी जो एजाज लाया कश्मीर से, इतना ही वजन है जितने ट्रॉफियों में। पोलैंड ने शमशाद ज्यादा बहुत दबाव मेरे ऊपर शमशाद बोलर है शमशाद पता नहीं भाई वसीम खान चलिए बैटिंग करते हैं। हाँ भाई लास्ट बॉल की वीडियो उसकी सिर्फ लास्ट बॉल में जो हुआ था उसकी वीडियो दूसरे फोन से शूट कर दी वो अभी जब लाइव नहीं चल रहा था। अच्छी बॉल अच्छी बॉल एक बार फिर अभी देख रहे हैं बॉल कैसे आ रही है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं ये, हमको लास्ट मैच में देखा था बहुत अच्छी पारी की थी 58 रन बनाए थे रामपुर के लिए और लगभग 3 ओवर में 60 रन बनाए थे रामपुर ने पिछले मैच में और अच्छी कोशिश शादाब पूरी तरीके से फिट हुए खेलना चाहते थे बड़ा शॉट पर गेंदबाज की तारीफ करनी होगी इतनी बेहतरीन गेंदबाजी राजीव और आजम के अलावा कोई और भी गेंदबाजी तालियर में अच्छी करता है आज देखने को मिला है काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। भाई बताया तो मंगलोर क्लियर जीत गया एक रन से शान गौड़ विराट की
और इस ओवर के बाद बताएंगे भाई स्कोर। अच्छी बॉल ये कौन बच्चा है जिसने विराट की टी शर्ट पहन रखी है 18 नंबर विराट की टी शर्ट पहनने से कोई विराट इस ओवर के बाद में भाई स्कोर बता देंगे आपको कितना स्कोर करना होता है। विराट कोहली का रामपुर वर्सेस सालियर रामपुर बैटिंग करती हुई और नूरा भाई और शोएब खेलते शादाब खेलते हुए लास्ट बॉल पे भाई क्लियर जीत गया था। चलिए तैयार है। अच्छा शॉट और ये फील्डर उसके नीचे उसके ऊपर से चार रन गैप में खेला शॉट नहीं बहुत अच्छी बात है भाई आप पूछ रहे हैं इसी वजह से हम आपको दिखा रहे हैं लाइव दिखा रहे हैं हम आपको भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि किस किस का मैच चल रहा है सॉली और रामपुर का मैच है रामपुर की फर्स्ट इनिंग ऐसी ऐसी बात फिर नूरा के लिए बॉल। अब भाई थोड़ा मैच की तरफ देखो कमेंट की तरफ नहीं। अच्छा शॉट सीधे बल्ले से खेला और फील्डर उसके नीचे अच्छी फील्डिंग एक रन मात्र मिलेगा भाई काला नहीं बहुत गोरा हुआ किसी को रखे भाई काले वैसे तो बहुत गोरा है 300 रुपए का काला भी होता क्या हुआ भाई काला को बोला बुरी बात थोड़ा ही कोई यार। अच्छी बॉल अच्छा शॉट सीधे बल्ले से खेला एक रन आराम से मिल जाएगा आज हमने अच्छी फील्डिंग की। ओवर की समाप्ति तेज आती है दौड़ लगानी पड़ती है सालियर के पास और कोई इतना दमदार है भी नहीं इन्हीं के कंधे पर चलता है सालियर मात्र। चार ओवर की समाप्ति के बाद रामपुर का स्कोर 19 रन चार ओवर में 19 रन अच्छी बॉल सालियर की तरफ से होती हुई चार ओवर में 19 रन लेकिन आप इनको कम मत आगे रामपुर की टीम को क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने आखिरी 3 ओवर में बढ़िया बना 60 रन मारे थे इन्होंने माइक टेक्निकल इशू वैसे देखा जाता येलो लोअर पे भाई नूरा है नूरा रामपुर की तरफ से कप्तान नूरा टीम की तरफ से 5 ओवर लेकर आगा बता जो हाँ भाई मंगलोर बार हो गई अच्छी बॉल टप्पा अच्छा एक रन शॉट के अंदर नहीं कि वो बाउंड्री को पार कर जाए जिसके वहां पर फील्डर मौजूद है आजम काफी बेहतरीन फील्डिंग आजम के द्वारा। अभी सेमीफाइनल का कोई है नहीं भाई अभी दो मैच रहेंगे सेमीफाइनल में जाने के लिए आज जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। हाँ ये तो तीन अटेम्प्ट हुए कैच के एक बार तो लगा छूट गया पकड़ लिया था गुलफरीद ने पकड़ा था भाई मंगलोर के मैच है मंगलोर हार गई एक रन से। अच्छी बॉल बहुत ही अच्छी बॉल बॉलर का कमाल है खेलो जा मन थोड़ा सी खेलो जा हमारे पास ही खड़ा है कोई नहीं मिली क्योंकि सारा बॉल बढ़िया कर रहा है काफी बेहतरीन बल्लेबाज नूरा मौजूद है क्रीज पर देख रहा है कब बॉल में आते हैं भाई माजरे का मैच माजरे तो शायद बाहर हो गई थी मंगलोर का मैच का क्या मंगलोर हार गए भाई एक रन से। मंसूर की बॉल अच्छा शॉट लगाया है और एक रन राजिक ने अच्छी फील्डिंग की बिल्कुल खामोश किया हुआ है रामपुर के बल्ले को। और शादाब ने अपने आप को थोड़ा ढीला किया कपड़े उतार दिए अपनी जैकेट हाथ खोलने का प्रयास करेंगे अभी। अच्छा शॉट और यहाँ पर राजिक मौजूद बार बार रूनी के पास बॉल जाती हुई अच्छी फील्डिंग करते हुए राजिक फील्डिंग तो बढ़िया करता है आदमी बॉलिंग भी बढ़िया करता है बल्लेबाजी बढ़िया करता है पर इसके अंदर कभी एक ही पेट में थोड़ा सा दर्द रहता है इसके जब तक हर बॉल पे बोलर के धोरे न चला जाना हाजमा खराब हो जा
भाई सालियर वर्सेस रामपुर। सालियर बॉलिंग कर रही, अच्छी बॉल और ये भारी किनारा मिलर्स के पीछे और लव पाइले की तरफ। चार रन, चार पीछे पीछे ये भी तूने समझाई थी। अच्छी बॉल थी लेकिन बाहरी किनारा, अंदरूनी किनारा लगा, माफ करना। और चार रन पाइन लेग की तरफ। सिब्बू शायद नहीं है भाई, पिछले मैच में भी था वो, इस बार भी नहीं होगा पूरी तरीके से। तख्तीगंजा कसरत, हाँ भाई मेजर की टीम बाहर हो गई, बसेड़ी बाहर हो गई, रामपुर ने बाहर कर दिया था बसेड़ी को। नूरा हाथ में चूना लगा कर एक बार फिर तैयार। कदर भाई आप बैठो ना, ना ना तू बैठा रहे, अच्छा लग रहा है। सौ रुपए जमा करो जेब हमारी। और अच्छा शॉट लगाने का प्रयास लेकिन बल्ले पर नहीं आई। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति के बाद पांच ओवर में मात्र 26 रन। अभी तक दोनों ही मैच लो स्कोरिंग हो रहे हैं। 36 रन को तो खेल पूर्व ने फील्डिंग मेरी करी थी, रुका था तभी खेल, तभी जीत गए। क्या बात कर रहे हैं, मैच होंगे सारे के सारे, दोनों ही लो स्कोरिंग मैच। बहुत अच्छी बॉल करते हुए सालियर, वो बहुत बढ़िया मैच। पांच ओवर में मात्र 26 रन हुए भाई। और मैं आपको बता दूं सुनहरे रामपुर के पास वो बॉलर हैं जो इस स्कोर को भी डिफेंड कर सकते हैं। अगर वो 70-80 रन के करीब पहुंच गए रामपुर तो वो इसको भी डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि सालियर के पास बैटिंग में कोई डीप नहीं है, कोई गहराई नहीं है। और बॉलिंग बहुत अच्छी है रामपुर के पास भी, मोनू हो चाहे वो आसिफ हो, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। इस रात कीपर ग्लव से नहीं लेता, ग्लव से लेगा, उनका नाम सब जानते हैं। चारे तो रखे हो गए ही, और जो चाहोगे तो ले ली भाई। पांच ओवर में 26 रन, काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। चश्मा दे दो तो भाई, भाई चश्मे में कहा दिख रहा फिर। पांच ओवर में 26 रन, कितने जुड़ गए, जल्दी करो ना यार, क्या कर रहे हो, जुड़ गए, कितने जुड़ गए, हां नहीं दिखने का दे, ग्लिच हो रहा बस ये, इसमें कुछ टेक्निकल में चल रहा है। 174 दिखा रहा है, 175 लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई। और आज हम अपने और ये लेकिन स्लिप की तरफ बॉल गई, चार रन बाहरी किनारा। वहां पर फील्डर पूरी तरीके से, अच्छी बॉल थी लेकिन बाहरी किनारा लगा बल्ले का। और चार रन स्लिप थर्ड मैन की तरफ, काफी बेहतरीन गेंद थी, ऐसा नहीं गंदी गेंद थी, पर वहां पर ये लकी रन माने जाएंगे। चार रन मिलते गति से बीट किया आजम ने, गेंदबाजी में कोई खराबी नहीं। पर सालियर के पास भाई कलियर जीत गया एक रन से, मंगलोर को दो रन चाहिए थे एक ओवर में एक बॉल पे और वो कैच आउट हो गए। बाकी तो ये सारे के सारे आजम की ये बोल शादाब के लिए। शादाब यार इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे और वही किया। डॉट बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी, इसको कहा जाता है गेंदबाजी टप्पा सटीक रखा। आजम बहुत ही अच्छा टप्पा इन्होंने पकड़ा हुआ है, मांडे का शुक्र अदा करना चाहिए। ये सालियर का है नहीं, खोद लिया हुआ है जिसके कंधे पर रखकर आप चला रहे हैं। अकेला में सितारा है आजम, अपने बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर शादाब के लिए। बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल, बहुत तेज गति के साथ बॉल कराते हुए। टप्पा खाने के बाद इतना उछाल ले रही है शादाब के, बिल्कुल समझ में नहीं आई वहां पर गेंद, पर उम्मीद सिर्फ इसी बल्लेबाज पर है। इस पर है नूरे है, पर है आजम एक बार फिर शादाब के लिए सेम। और अच्छा ओ कैच छुट्टा, माफ करना।
कंधे से बॉल लगी थी, बॉल आ गई, ढूंढ रहे हैं, लग रहे थे कौन है। शादाब बार बार बीट होते हुए बॉल बिल्कुल समझ में नहीं आई पहले। यहाँ पर पीरा ने क्लियर खेला भाई सिराज, यार कुछ ग्लिच हो रहा था लाइव में, लाइव तो चल रहा था लेकिन दर्शकों को दिख नहीं रहा था यार। लास्ट बॉल की वीडियो बनी हुई, वो डाल देंगे हम पेज के अंदर, अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में। विजय हुआ पीरा ने क्लियर, ओ बहुत अच्छी बॉल, बहुत सटीक टप्पा, लगातार शॉर्ट बॉल और सीधे बल्ले से खेलते हुए एक बार भी उन्होंने कट शॉट लगाने का प्रयास नहीं किया। थोड़ी देर से बैठ लो आजम शादाब के लिए, ये एक बार फिर अच्छा शॉट लेकिन शॉट में भी चांस नहीं है, एक रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, ओवर काफी अच्छा ओवर, सिर्फ एक बाउंड्री आई वो भी भारी किनारा लगा। 31 रन, 31 कितने में, 31 छह ओवर में 31 रन, 31 चार में क्या करेंगे देखते हैं। ये भी लो स्कोरिंग मैच, ये भी शायद लो स्कोरिंग मैच होगा। अभी तक उनके शादाब देखने को नहीं मिला, शादाब और नूरा खेल रहे हैं भाई, ग्रीन शर्ट में नूरा है और ब्लैक शर्ट में, ब्लैक टी शर्ट में शादाब मौजूद है। इसरार अभी डगआउट में मौजूद है, ऐसा नहीं वो छक्के नहीं मारते, इनके पास मामूल मौजूद है, ऐसा नहीं बड़े हिट नहीं मारते, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है। सालियर की गेंदबाजी बढ़िया है या बॉलिंग पिच हो गई आज ये पूरी की पूरी, देखना होगा। हाँ पिच के जो जो नीचे की जमीन है ना वह चच्चा टाइर की, वो घुमा दी, शादाब नाम है भाई समीर राव। भाई कहना आसान है यार, जब खेलते हैं ना जब पता चलता है यार कि बॉल कहाँ लग के कहाँ जा रही है। टप्पा बहुत अच्छा मार रहा भाई बॉलर, बल्लेबाज थोड़ा लंबी बॉल के लिए खेले लेकिन टप्पा बहुत अच्छा मारे, शॉर्ट बॉल लग रहे सारी। अगर लंबी बॉल आएगी ना आगे जैसे बॉल डालेंगे छक्का मार देंगे, अगर छह की छह बॉल आगे डालेंगे तो छह की छह बॉल पर छक्का मारने की क्षमता रखते हैं शादाब। एक बार फिर सालियर की तरफ से ओवर, वो और कैच ड्रॉप, इनके पास अगर कोई है तो फील्डर वही, दो बल्लेबाज वही, सब कुछ कुछ नहीं आई है भाई। चार विकेट हुए और एक बार फिर बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे भागते हुए और अच्छा शॉट सीधे बल्ले से खेला, बहुत ही लंबा छक्का, पूरी स्ट्रेट में छह रन मार दिया। मेरे के बल्ले से निकलता हुआ देखना इस छक्के से मोमेंटम शिफ्ट होता है या नहीं। चालीस हो जा भाई, सबका दिन खराब हो जाए कोई बात नहीं, खराब छक्का ये भी नूरे के बल्ले पर बॉल आ गई है, अभी देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। मैंने कहा था अगर आगे बॉल डालेंगे तो खामियाजा भुगतेंगे और वो ही हुआ, आगे बॉल डाली और छह रन। या जीत के फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, ये क्वार्टर फाइनल है भाई, क्वार्टर फाइनल है भाई फिलहाल, अभी तक सालियर ने मजबूत स्थिति में है, नूरे को रन बनाने होंगे, नूरे को चाहिए सोच और समझ से खेले, संयम से खेले, अपने ऊपर विश्वास रख के खेले। फील्डिंग में बदलाव, डीप मिड विकेट में फील्डर को लिया गया। ए कोहली तू क्या कर रहा, तेरे मुस्कानी में कुछ बाहर चला जा, कोहली कुत्ते ने हिला दिया सारा दिन। ओ वाइट बॉल, पैर का इशारा, साइन के बाद टीचाइन के शब्दात किए, क्या समझा रहा होगा ये कीपर, ऐसे कोहली कहां गया। अब राजीक ने अपने पैरों पर थोड़ा लगाम रखा तो कीपर को चुलबुली हो गई और गेंद पर वो समझाने आने लगे।
इतनी बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, उसके बाद भी हर गेंद पर सब जाने चले जाते हैं, क्या समझाते हैं ये? नहीं भाई सेमीफाइनल नहीं है, क्वार्टर फाइनल है, जो क्वार्टर फाइनल है भाई, आज जो आज जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। और स्लो बॉल बिल्कुल समझ नहीं आई नूरे के। वन बॉल दिया है अंपायर ने, काफी अच्छा मिश्रण बॉलिंग में, नूरा को समझ में नहीं बोल आई, पीछे की तरफ मारना चाहते थे, पहले तैयार थे तो बॉलर ने शॉर्ट बॉल दी। एक बार फिर नूरा के लिए बॉल और फिर से स्लो बॉल, नो बॉल, अंपायर अपने ये चील से पकड़े जल्दी फैलाकर राज की तरह काम लिया कर। अगर राजीव ने गोल गिरा पार कर रहा है मुझे बता दिया, राजीव ने अभी पीछे रहना ही समझा हुआ, दो विकेट हुए भाई, आंसू से समझा, दो विकेट हुए भाई, हाथ में छोड़ रही बहुत ही गंदी फील्डिंग आंसू के द्वारा, बहुत ही गंदी फील्डिंग, बिल्कुल बेकार, गलत कमेंट मत करे भाई, गलत कमेंट मत करे। एक बार फिर नूरा के लिए बॉल और बहुत जोर से मारना चाहते थे लेकिन शमशाद के द्वारा इस ओवर में साकिब ने नहीं समझाया, अंपायर का फैसला वही सर्वमान्य होगा, गेंदबाजी होती हुई अभी तक बात, एक छक्का जरूर आया इस ओवर में, नूरे को चाहिए एक दो बाउंड्री और निकाली जाए किसी तरीके। टोल्ला भाई है नहीं मैच में, टोल्ला टीम में नहीं आया जाए रामपुर को, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बल्लेबाज मौजूद है अभी सीरीज में, इसलिए यहाँ पर लगाकर खेल शमशाद किए बॉल नूरा के लिए, फिर से वही प्रयास छक्का मारने का लेकिन बिल्कुल पूरी तरह बीट हुए, वाकई बॉलिंग पीछे पकड़ी आज टप्पा पकड़ा हुआ है शमशाद ने, शमशाद एक बार फिर और अच्छा शॉट, आखिरकार छक्का लगाया नूरा ने, ये लोग उन पे सीधा छक्का मार दिया, दो छक्के इस ओवर में आए नूरा, कितने रन बनने चाहिए कभी तक कितने रन नहीं बने, आगे बोल डाली 6 रन। सात ओवर की समाप्ति के बाद रामपुर का स्कोर 46 रन 46। पिछले मैच में रामपुर का स्कोर 7 ओवर में 57 रन था और आखिरी 3 ओवर में 60 रन बनाए थे रामपुर ने, अभी भी कुछ भी हो सकता है, 3 ओवर बचे हैं, 18 बॉल पे कितने भी रन लग सकते हैं, 50-60 रन अगर लग गए तो सालियर के लिए वापसी करना मुश्किल होगा अपनी इनिंग में, क्योंकि रामपुर के पास बहुत ही अच्छे अच्छे बॉलर इसरार मोनू आसिफ मौजूद है, काफी बेहतरीन ओवर में 46 रन नहीं हुआ, आंसू क्या सलाह दे रहा भाई तालियर वालों, आंसू क्या सलाह दे रहा, कैच भी पकड़ सकता हूँ आदमी, क्या सलाह दे रहा होगा यार, सोच लो तालियर वालों को, यहाँ से वहाँ चला जाता लेकर उन पर तब जाते हैं यहाँ से, आंसू भाई अपने हाथों पर मिट्टी लगाते हुए चांद देकर मुझसे अपनी बार कैच छूट गया, ये कमेंट पहले नहीं देगा, स्पेल का पहला ओवर लेकर आते हुए भाई वो ऐसे नहीं बोल सकते ना मैच के बीच में डिस्ट्रक्शन होगा उसका क्या फायदा, और शादाब के लिए बॉल आशू ने फील किया बॉल को, बात देख रहा हाँ शायद सुनील है भाई, हिमांशु अस्तवाल कादिर एक बार भी तैयार अपने बॉलिंग रन पर, नूरा भी तैयार, देखना है नूरा इस बॉल पर क्या करते हैं, कादिर की ये बॉल नूरा के लिए, क्रीज में खड़े नूरा, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, ये तो वाकई डबल वाइड है, वन बॉल सर,
कादिर ने बाउंस डाला बहुत ऊंचा वाइड बॉल पर एक बाउंस। कीपर के कान में मिलते आपको, इनके पैरों में एक जंजीर डाल दी हमने। कादिर की बॉल नूरा के लिए और अच्छी बॉल शॉर्ट बॉल, यहाँ पर दूसरी बॉलर ने शॉर्ट बॉल डाली है, अभी तक कामयाब रहा है वो दोनों ही मैच में। कादिर एक बार फिर सात ओवर हो चुके रन काफी कम, अभी सुनील की बैटिंग नहीं आई भाई अभी तक। और अच्छा शॉट, स्पिनर मौजूद, एक रन आराम से मिल जाएगा। आजम ने फेंक दिया बॉल को, कादिर अच्छी बॉल कराते हुए बांध कर रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, शरीर की तरफ बॉल कराते हुए लगातार। सुनील की बैटिंग नहीं है अभी तक भाई। एक बार फिर कादिर शॉर्ट बॉल और अच्छी फील्डिंग, हेडमैन की तरह शादाब के आज बल्ले से बॉल नहीं गिरा, विकेट भी नहीं गिर रहा और रन भी नहीं आ रहे हैं। तो सलीर की तरफ से जब भी वहां बॉल पकड़ो ना तालियां बहुत बजाओ सारे। रन कितने हुए? 50 रन पूरे होते, बैटिंग आएगी अभी अभी आउट नहीं हुआ भाई सुनील। एक बार फिर कादिर की बॉल नूरा के लिए, बड़ा शॉट का प्रयास, शॉर्ट बॉल, लैंड बॉल के लिए खेला लेकिन शॉर्ट बॉल डाली, बिल्कुल समझ में नहीं आया नूरा के। इतनी तगड़ी गेंदबाजी दलील की है आजम के, राजीव के मात्र चार ओवर अच्छे बाकी नहीं थे आज तो सारे। एक बार फिर कादिर नूरा के लिए बॉल डालेंगे और नूरे का शॉट, छह रन लगा, यही मैं कह रहा था, अगर इनको आगे बॉल डालेंगे तो ये छह की छह बॉल पर छक्का मार देंगे, अगर इनको शॉर्ट बॉल डालेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे। वही हुआ, जितने भी शॉर्ट बॉल डाली नहीं लगा और एक आगे बॉल डाल दी, वही छह रन भाई। आंसू भाई जब भी बॉल पकड़ते हैं तालियां बहुत बजती हैं, क्या बात है सर, कैमरे के सामने आके बोल दो कुछ। भी तो रही है, मार तो दिया यार नूरा ने। चलिए यहाँ पर तैयार भाई, मंगलोर के मैच में करियर जीत गया। कम से कम इतने रन तो बनाने होंगे जिससे वो आपस में लड़ सके, अभी तक तो लड़ने का स्कोर भी नहीं खड़ा कर पाया। राजीक अपने ओवर का आखिरी ओवर लेकर आए और ये अंपायर का इशारा वाइड बॉल, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, स्कोर भाई बताएंगे अभी, बताएंगे समय के बाद बताएंगे, हमारा ध्यान नहीं रहा स्कोर बोर्ड की तरफ। और अच्छी बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी, इतने बड़े बल्लेबाज को खामोश रखा हुआ और यहाँ पर टिकले ऊपर जाते हुए हटाएंगे इस जब तीन खराब होता है तो यही तो होता है, इतने बड़े बल्लेबाज को जिसने पिछले मैच में यहाँ पर 58 रन बनाए, मात्र 15-20 गेंदें खेली होगी, 50 रन बना दिए थे, लेकिन आज उनकी बल्लेबाज का बिल्कुल भी टीम नहीं बैठा है, इंतजार बैठा है, देखना है क्या करता है यहाँ से रामपुर। इसरार आए हैं बल्लेबाजी के लिए जो कि काफी दुआदार पारी खेलने के माहिर, कोई बात नहीं, बाहर यहाँ पर दो मैच होता हुआ पर रामपुर को चाहिए थोड़ी और रन जुड़ाए, अभी रामपुर के पास वो क्षमता है, वो कम स्कोर को भी डिफेंड कर सकते हैं, इनके पास काफी अच्छे अच्छे बॉलर मोनू और आसिफ के रूप में क्या होता है, इसरार बल्लेबाजी का भार संभालने आए हैं, काफी लंबी हिटिंग करते हैं ये भी पावर हिटर रामपुर की तरफ से। राजीव बॉल डालेंगे इसरार के लिए,
चार रन भाई के, भाई के चार रन, भाई के रूप में चार रन। शाबाश शाबाश टप्पा खाकर, और ये दर्शक पिच के पीछे जाते हुए बाउंस बहुत ज्यादा बॉल में, और चार रन भाई के रूप में। रामपुर को रन चाहिए चाहे किसी भी रूप में आए, और वही होता हुआ चार रन भाई के रूप में। इसरार अभी तक अपना खाता नहीं खोला। राजिक एक बार फिर तैयार इसरार के लिए, स्लो बॉल और ये शॉट फील्डर के नीचे और कैच, कैच आउट, कैच आउट इसरार अपनी पहली बॉल पर। और सिर्फ अपने टीम में सुई कैच छोड़ दे। बहुत अच्छा कैच इसरार ने, प्रयास अच्छा किया था लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पर लगी, पूरी तरह नहीं आई बल्ले पर और आउट हो गए। नए बल्लेबाज क्रीज पर, मामूल जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज रामपुर की तरफ से। राजीक अच्छी बॉल कराते हुए, टप्पा सटीक बिल्कुल आगे नहीं डाल रहे हैं। और बहुत अच्छी बॉल, यॉर्कर लेंथ कलियर का मैच था भाई आज, एक रन से जीत गया कलियर, बहुत रोमांचक मैच हुआ। एक बॉल पर दो रन चाहिए थे और वो मंगलोर के खिलाफ मैच था, और लास्ट बॉल पर कैच आउट हो गए मंगलोर के प्लेयर स्लिप की तरफ। ये खेलने चार ही चार पसीना बहुत आकर आज पता नहीं हो रहा क्या आज नहीं रहे हैं आज आज नहीं लग रहे सारी बोल रहे ऐसी जिसको मारना है जिसको लगवा रन ऊपर नहीं लग रहा आज लेकिन अच्छी फील्डिंग आजम के द्वारा मात्र एक रन। ये स्कोर भी डिफेंड हो सकता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आज पिच का हाव भाव बदले हुए हैं, पिच में काफी नमी है आज। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तरह पिच खेल रही है आज। एक बार फिर राजीक अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, क्योर कर लें दूसरे रन का प्रयास लेकिन मना किया नूरा ने। नहीं भाई कमेंट्री तो आजम डॉक्टर कर रहे, डॉक्टर आजम शाहबाज अली माधोपुर से कैमरामैन पे कमेंट्री मैं कर रहा हूँ माधोपुर से। और ये लाइट गई, पांच मिनट में हम आपके साथ जुड़ेंगे जनरेटर के साथ। अजम से पूछो, अजम से और ये दर्शकों ने अपने फोन की लाइट्स जलाई हुई है। अजम स्कोर क्या हो रहा है, कितने ओवर में है? 64, 9 में 64 है, 9 ओवर में 64 रन, लगभग वही मैच ही चलता हुआ। लाइव नहीं देख रहे, लाइव कर रहे हैं, बैठे हैं लाइव के साथ बैठे हैं। ठीक, लगभग सेम वही मैच चलता हुआ, 9 में 64 है। कलियर ने 10 ओवर में 72 रन बनाए थे और रामपुर भी लगभग उसी राह पर चलता हुआ, 9 ओवर में 64 रन। हां क्या दिक्कत, कोई भी खेलने में जा सिंगल विकेट होता रहती, लेकिन एक विकेट है चुप क्या हो जा अबूजर, हां जी एक विकेट है भाई तेरी, शॉर्ट पिच पे तो खेलता नहीं
रहे शॉर्ट पिच पे इसके सामने पांच छक्के मारे हैं। जो लंबी होगी छक्के इतना बड़ा शॉर्ट पिच पे इसके सामने पांच छक्के मारे हैं। ये मुझे नहीं पता तेरी वीकनेस है, इसी के सामने पांच छक्के मारे शॉर्ट पिच को मेरे कम मारे। उस दिन मैच में शॉर्ट पिच में मारते सारे छक्के, मैंने कह रहा मैं उस दिन मारे थे नहीं सारी शॉर्ट पिच में मारते, लेकिन वो छल्ले बॉलर थे अच्छे बॉलर के सामने। तू दिन मजा मेरे साथ ठीक है नहीं और लाइट आ चुकी है, जनरेटर चल गया है। एक बार फिर से कंटिन्यू करते हुए मैच और दर्शक मैदान के बीच में आ चुके हैं। पहली इनिंग होली, एक इनिंग अभी चल रही है, लास्ट ओवर है बस। बाहर चले जाओ मामूल, आखिरी ओवर लेकर आए हैं कादिर सालर की तरफ से। कमेटी सदस्य भी भाग कर निकल जाओ। लेकिन भाई हमारे अध्यक्ष आपके कलर जीता भाई एक रन से। भाई सानवीर तेरे पर ना लीड उसकी बॉलर की और फ्रॉड कर रहा करियर बैठा वगैरह मेरी लीड रहेगी। हाँ भाई नैयर त्यागी ठीक बात है बिल्कुल। क्लियर का भाई मैच शायद परसों है, सेमीफाइनल नहीं मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल है उनका, पता नहीं भाई मुझे पक्का। जकी को बता दो कौन जीता मैच। जकी भाई क्लियर जीता है मैच और वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। मामूल अगर तीन छक्के मारते हैं तो 500 का इनाम, ठीक है भाई मामूल के लिए 500 रुपए का इनाम हम बोल देंगे। और कोहली की अच्छी फील्डिंग, साइलेंट की कोहली के नाम से जाने जाते हैं। ये मैच भी पहले की तरह लो स्कोरिंग रहेगा, 9 में 64 रन है, अब देखते हैं 100 में कितने रन आएंगे। ले भाई कर दिया हमने बॉलर की तरफ और अच्छा शॉट, वही तो मैं कह रहा हूँ अगर आगे ही बॉल डालेंगे तो यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये स्ट्रेट ड्राइव और सीधा छे। नूरा ओपनिंग से खेलते हुए अपनी टीम के लिए काफी अच्छा काम करते हुए बहुत अच्छी पारी, माफ करना तीसरे नंबर पर आए थे वन डाउन और तब से अभी तक कोई भी मौका नहीं दिया सालियर की टीम को, न कोई कैच उठा। और अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, कट लगाया 4 रन। कादिर का ओवर काफी महंगा होता हुआ। नूरा जो कि बहुत अच्छा खेलते हुए अपनी टीम के लिए बिल्कुल सेट हो चुके हैं, बॉल फुटबॉल दिखाई दे रही है उनको, 4 बॉल इस ओवर की हो चुकी है। चलिए ओ अच्छा प्रयास, थोड़ी सी बॉल नीचे पड़ गई वरना ये वही होता छक्का। भाई कलियर जीता बंगलोर में, कलियर जीत गया एक रन से। आखिरी बॉल इस इनिंग की है और इनिंग की समाप्ति। सवर कंप्लीट। एक पारी की समाप्ति के बाद रामपुर का स्कोर, लाइट आ गई है, जनरेटर बंद कर दिया है। आजा मैं भाई जल्दी करो चलो स्कोर। क्लियर जीता भाई एक रन से मंगलोर वाले मैच में। बताओ 10 में 76, 10 ओवर में 76 रन और क्लियर के थे पिछले मैच में 10 ओवर में 72 रन और क्लियर उस मैच को एक रन से जीत गया था, तो इस मैच में भी काफी रोमांच आने वाला है। रामपुर की तरफ से अच्छी बॉलिंग हो सकती है क्योंकि रामपुर के पास अच्छे अच्छे बॉलर मौजूद हैं।
एक इनिंग खत्म हो चुके हैं। रामपुर ने 10 ओवर में 76 रन बनाए हैं। 77 रन के लिए 77 रन बनाने होंगे यहां पे। टारगेट रामपुर की तरफ से सालियर के लिए 77 रन। 7-7, 2-7 सबकी डाल दो। 77 ग्लव्स ग्लव्स वहां पे उनके पास में मैं मंगवा रहा हूं। 2-7, 5-2, 7 दो सकते तुम्हारे साथ जो इसके बाद एक और मैच चलाई जल्दी अपने बल्लेबाज बेचो अपनी बॉल फूक भागने का। चलिए भाई रामपुर अपनी फील्डिंग लगाए। रामपुर तो फील्डिंग के लिए आ चुका है। क्लब्स भेज दो, क्लब्स क्लब्स कीपर के क्लब्स भेज दो। इधर इधर कैमरामैन कैमरामैन चलो देखो यहाँ पर रामपुर की गेंदबाजी काफी बढ़िया है। देखना है आज कितनी बढ़िया रहने वाली है। भाई बंद नहीं कर रहे भी लाइव। यहाँ पर 72 रन पर पिराने कलियर जीत कर चला गया। अगर रामपुर भी ऐसा ही करता नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है यार तो आज मैच में मजा आ जाएगा। आज ये बॉलिंग पिच है। यहाँ पर बोल टप्पा खाने के बाद अपना फोन बदलती नजर आ रही है। आज इसराइल की बॉलिंग का इम्तिहान है और इम्तिहान होगा यहाँ पर मोनू की बॉलिंग का। भाई ग्राउंड से बाहर हो जाए। ग्राउंड से बाहर हो जाए। सारे सारे से देख रहे हैं जो ऐसा हुआ रामपुर वालों की छुट्टी पे घूम जाना। भाई अभी पटाखे मंगाने का माहौल नहीं है क्योंकि रामपुर ने बहुत कम स्कोर बनाया है। 77 रन का टारगेट है सालियर के लिए। रामपुर का मात्र 7.8 के रन रेट से रन बनाने हैं सालियर को। और उनमें एक बल्लेबाज ऐसा है अगर वो 5 ओवर तक खड़ा रहा तो वो काम तमाम कर देगा। ये भी लो स्कोरिंग मैच हो सकता है वैसे अगर रामपुर ने बॉलिंग अच्छी करी। थोड़ा जल्दी करा दे। कैमरामैन जो मुक्तदी रहे इनका कल को मैच है। इसके बाद दुआ करना इनके लिए कि ये बॉलिंग अच्छी करे। पूजा बना रहा 12 बजे तक का टाइम है इसको। टूडी यहाँ पे बैठे हैं तो गली बोल सकते हैं और तो ज्यादा तो ऐसे करें। मैं इसका भाई दोबारा चलाए सालियर वाले अंपायर। चलिए भाई बल्लेबाज बुल्ला जी आरसी अन्य की तरह बैटिंग करेंगे तुम। अरे अब बाहर आ जाओ बाहर। आजम है भाई आजम खेलना बना देगा। आजम हाँ भाई खेलना आजम बना देगा अगर चल गया। धुआंधार बल्लेबाज कोहली रन गिनते हुए इधर अच्छा तस्वीर तो है। भाई कर्मचारियों की कर दी जाएगी छुट्टी। जी हाँ सर्दी में लहंगा पहनकर आई हुई 5-7 लड़कियां ही कर देती है 7-8। एकदम जल्दी
कबड्डी खेलनी है। मेरा तो यहाँ ही नहीं नंदी को बिछा रखा, इतना मैच हो गया इतना वही रह गया। ये तो मैच तेरा तो खेल लिए, मैच में दिखाइए क्या करेगा, यहाँ कर रहा भाई, जल्दी करेगा रामपुर वाले, स्ट्राइक करे राजी के तो हाथ उठाए अंडोन स्ट्राइक पर कादिर अरुण अरुण है तो हाथ उठाए राजी पर अरुण और बोलिंग का भार संभालेंगे बोलू है तो हाथ उठाए शावेज नेहा भाई सालियों की तरफ से आज पिछले मैच में अच्छा नहीं खेला था वो। रशीद को अपनी टीम से एक मीटिंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ से आप जीत नहीं सकते, लड़ना होगा पिराने करियर की तरफ से, जैसे पिराने करियर लड़ा था अंत तक गया था और जीत कर गया है वो। ऐसी गेंदबाजी आपकी भी ऐसा नहीं है कि ऐसी गेंदबाजी नहीं करते, दर्शक हम होते हुए यही चाहते हैं कि मैच बराबर का हो, दोनों टीमों को बराबर का सम्मान दिया जाए, प्यार दिया जाए, पर हमारे प्यार से आप मैच नहीं जीत सकते, मैच तो आपको अपनी काबिलियत से जीतना होगा नूरे भाई, अपनी गेंदबाजी से जीतना होगा, बल्लेबाजी में इतना ज्यादा स्कोर नहीं किया पर ऐसा नहीं आपकी गेंदबाजी के अंदर बॉलिंग का भार संभालने आए हैं मोनू भाई, हमसे खुंदक निकालते हो, सिब्बू नहीं आ टीम में भाई, बाजी शुक्रिया। फील्डिंग यहाँ सजाते हुए जो चला दे हमारे कमेंट दाई तरफ जो फतेह भाई खड़े हैं अंदर कर दीजिए, लाइव चल रहा भाई, रे घर के जो खड़े हैं राजी सामना करेंगे मोनू का जो कि रामपुर की तरफ से बहुत ही अच्छे बॉलर बहुत ही तेज गति से बॉल डालते हैं मोनू राजी के बॉल और पहली बॉल पर मोनू ने विकेट दिलाया अपनी टीम को, बहुत ही अच्छा कैच, छक्का मारना चाहते थे लेकिन गति से बीट हुए और आउट भाई के पास एक खत्म है। ऐसे मत यार तरीका नहीं आया यार कोई बहुत ही अच्छी बॉल मोनू के द्वारा पहली बॉल पर विकेट आता हुआ, जैसे हम कह रहे थे आपको रामपुर की बहुत अच्छी बॉलिंग स्कूल में कराने हो वो जाएं और अपने बच्चों के एडमिशन करा सकते हैं, अपनी होनेगा भाई लेव इंशाल्लाह, अब तो मोबाइल में बैटरी पूरी है और मोबाइल भी अच्छा है, व्हाइट कलर का स्कूटर भाई से पकड़ लियो और मुझे जरूरत है एक्टिवा की मुझे दे दीजिए, वो स्कोरिंग था तो रामपुर भी सोच रही थी हमें स्टार्टिंग में विकेट मिल जाए तो स्टार्टिंग में विकेट दिलवा दिया भाई, 76 रन है भाई, 77 का टारगेट है इनका, 77 रन 76 रन है 76 लो स्कोरिंग भी मैच होता हुआ, काफी बेहतरीन गेंदबाजी मोनू के द्वारा, बहुत ही बड़ी लंबी जाल में फंसाई विराट, उनकी टी शर्ट पर लिखा हुआ इसका नाम क्या है रिहान, दो चाय भेज दे रिहान है तो विराट करेगा, हाँ मैं दे रहा देखते हैं, मैं दे रहा पैसे मोनू की, ओ बहुत अच्छी बॉल मोनू की, फील्डर मौजूद है मुखिया, काफी बेहतरीन फील्डर है मुखिया, मुखिया वो फील्डर है जितने सरसावे की टांग तोड़ दी थी कामरान को, पनिया लेकिन टांग नहीं तोड़ी थी कामरान का कैच पकड़कर, मोनू बहुत अच्छी बॉल डालते हुए मोनू ओवर कर रहे हैं इसलिए आजम बल्लेबाजी के लिए नहीं आए हैं, इस बात का खतरा सालियर को कि अगर आजम का विकेट गिरता तो सालियर बीच मझधार में फंस जाती, मोनू की ये बॉल अच्छी बॉल मोनू लगातार वो टप्पा पकड़ा हुआ है, अंपायर का लुत्फ उठाते हुए
हल किया कि ठंड पड़ती हुई इस मैदान में दोनों अंपायर तस्लीम और एजाज को यहाँ पर थोड़ा संयम रखना होगा, संयम से काम लेना होगा। एक बार फिर मोनू तैयार अपने बॉलिंग रनअप पर दौड़ना शुरू किया। ओ, बहुत अच्छी बॉल, बल्लेबाज को बिल्कुल समझ में नहीं आई बॉल। मात्र एक रन इस ओवर में अभी तक, वो भी लेग बाइक के रूप में। बिल्कुल अभी तक अपने बड़े बड़े बॉलरों की कभी नहीं खलने दी रामपुर के गेंदबाज। भाई बॉल बहुत अच्छी हो रही है, टिप्स नहीं है लेकिन इसने काम, मैं हूँ मैं कर सकता हूँ। एक बार फिर मनु की ये बॉल, ओ बहुत अच्छी बॉल। सर चाय पर ध्यान तो दे पर मैच पर भी रखे। पहले मैच में क्लियर जीती है एक रन से। मुक्ता लेते हुए यहाँ पर चाय का, मोनू की आखिरी बॉल, ध्यान से देख ले। बस 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 दो घूट यहाँ तक मैं ठंडे हो जाएंगे। वहाँ दिखा रहा था मनु, एक बार फिर अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद वहाँ पर, मिसफील्डिंग और दूसरे रन का प्रयास लेके मना किया। एक रन की समाप्ति के बाद दो रन, हर बड़ा मगरमच्छ और एक ओवर में दो रन और एक बड़ा विकेट राजीव के रूप में। इस मैच में बहुत मजा आने वाला है और मोनू की बहुत अच्छी बॉलिंग। कल इसने चार गेंदों पर चार छक्के लगाए, पांच भी गेंद पर ड्यूबल भी चाट रहा था, विकेट दे बैठा अपनी। अगर वहां पर संयम से खेलता तो कल भी अच्छा खेल सकता था। तबीर भाई पहले ही बता रहे थे कि मोनू बहुत तगड़ी बॉलिंग करेंगे और वैसे ही करके दिखा दिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मोनू अच्छे बॉलर रामपुर के रूप, रामपुर की तरफ से पिछले मैच में भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। विराट कोहली की देख रहे हैं अंदर विराट के कुछ गुण है या नहीं, क्या बस जैसे 18 नंबर टंग फिर रहा भाई। बोलर नेम नावेद है तो हाथ उठाए, नावेद है, नावेद बॉलिंग का भार संभालेंगे। नावेद, नावेद ने भागना शुरू किया, अच्छी बॉल, शॉर्ट बॉल। अंपायर से और चीज का मांग रहे, काफी बेहतरीन अपील की वहां पर, करनी भी चाहिए, दबाव बनता है, जुड़ा अपील नहीं कर रहे। लो स्कोर पर आज मजा आ रहा है, आज और बदला है। ये सब और टुल्ले को और मट्ठे को क्यों नहीं खिला रहे भाई, उनका फैसला, टीम का फैसला है, उनको पता होगा। अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल, डॉट बॉल। एक बार भी तैयार, सालियरी खेमा पूरी तरीके से। कामरान भाई 77 रन का टारगेट है और एक ओवर में दो रन, एक विकेट सालियर का। और इस ओवर की भी दो बॉल हो चुकी है, इस ओवर की बॉल दो हो चुकी है और डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल। बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज परवीन। 77 का टारगेट, 77 रामपुर लड़ नहीं सकता, यहाँ पर लड़ना चाहिए, मैच अंत तक जाना। हाँ भाई, दानिश भाई का ही रहने का इरादा, आज सारे मैच खिलवा के जाएंगे। आज तो पूरी रात चाहिए और अच्छा शॉट गैप में और चार रन। पहली बाउंड्री सालेर की तरफ से परवीन के द्वारा, अरुण के द्वारा, माफ करना, पूरी कमेंट्री बॉक्स में सीधा छक्का। आगे बॉल डाली और खामियाजा भुगता, शॉर्ट बॉल डालेंगे तो बच जाएंगे, अगर आगे डालेंगे तो वही खामियाजा मिलेगा। और बॉल, बहुत अच्छी बॉल नावेद की और बॉल अरुण को किया, दूसरा झटका लगा सालियर को और दूसरी सफलता मिलती हुई रामपुर को। बहुत ही अच्छी बॉल नावेद के द्वारा और इस बार देखते हैं कौन से बल्लेबाज आते हैं। आजम अगर आए तो मेन बल्लेबाज, बहुत एग्रेशन में आते हुए रामपुर के बॉलर।
साल ईयर की लास्ट उम्मीद, साल ईयर की लास्ट आस, साल ईयर की आन बान शान, सब कुछ है इस बल्ले के बाद के कदमों पर। अभी बताएंगे और होने के बाद भाई आजम खान भाई, साल ईयर वाले तगड़े भाई, थोड़ा इन्हें पीछे करा दियो भाई, लेफ्ट इंडिया भाई राहुल शर्मा वाले फिर कहेंगे अच्छा नहीं है। हाँ लेफ्ट भाई शोएब, शोएब लेफ्टी है, अब देखना होगा। रामपुर में है एक लड़का शोएब, चटका लिया है यहाँ पर आजम, तीन विकेट जा चुके हैं। मेन बल्लेबाज सालर की तरफ से इनका खड़ा होना बहुत जरूरी, पहला राशिक के रूप में और दूसरा गया है अरुण के रूप में। फील्ड को देखते हुए और अच्छा सम्मान दिया, रन आउट होने का चांस। भाई मैं ना यहाँ से मैच देखने हैं भैया, वो जो कमेंट सेक्शन पर जो बाहर से माल रखा ना उनको देखने सिब्बू की टीम में है ये। वालेकुम अस्सलाम भाई, बिजोली का मैच शायद कल है भाई, साल ईयर वालों को बजाने वाला है राम, और हो गए तो दो ओवर में छह रन, मात्र छह रन राजीव, अब राजीव के दो ओवर में छह रन दो विकेट, देख लीजिएगा आठ ओवर में चाहिए 71 रन। और अभी आजम क्रीज पर खड़े हैं, जब तक ये क्रीज पर खड़े हैं सालियर बिल्कुल निश्चिंत होगा, क्योंकि आखिरी मैच इन्होंने ही जिताया था। वो घर चली जाए, उसकी माँ उसे कुटेगी और साथ में शहनवाज भी, शहनवाज भाई अपनी बच्ची को लेके आए थे अल्फिया को, और वो यही घूम रही, और उसके पापा को भी नहीं उसका पता, और उसकी माँ बड़े गुस्से में कुटेगी दोनों को, आज गया शहनवाज आज, चलो भाई कोई और छोड़ आई हो शहनवाज को, उसकी बच्ची को घर, कमेटी का सदस्य शहनवाज अच्छा आज कुटेगा घर। सुनहरे का मैच भाई कल, आज इसके बाद मैच के बाद पता चल जाएगा, जूम में डाल देंगे, और ये जो जूम कम करो, इस गेंदबाज ने अब तक इस पिच पर एक ओवर में 10 रन से ऊपर आज तक रन नहीं दिए, और एक ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो खिताब है ना वो इसी बॉलर के नाम है, एक ओवर में 4 विकेट ले रखे। और एक बार फिर आसिफ बहुत ही अच्छे बॉलर, आसिफ लेफ्ट बॉल लेफ्ट हैंड बॉलर भाई, मुखातिब कर दिया जूम कम, लेफ्ट ही बॉलर है और खेल बढ़िया भाई, सुशांत था कभी अंदर जाएगी कभी बाहर आएगी, और साल ये वालों को किस परेशानी करेगी अगर ये बॉलर आज फॉर्म में आ गया। क्या हाल कैमरामैन की तरफ बोला ही, काफी बेहतरीन यहाँ पर, एक रन मात्र मिलेगा, खेलना चाहते थे पूरी तरीके से खेल नहीं पाए, अब आए स्ट्राइक पर आजम, सालियर यही चाहेगा ये बल्लेबाज किसी तरीके से क्रीज पर, थर्डमैन की तरफ बोलाई थी कैमरा को लगते लगते बच्ची, किसी तरीके से इसी बल्लेबाज का विकेट निकाला जाए, देखना है यहाँ से कौन सफल होता है, सफलता की कुंजी चाबी इसके हाथ में है, नोरा समझाते हुए आसिफ आजम के लिए बॉल डालेंगे भाई, वो उनका अपना फैसला है, वो हम क्या बता सकते हैं टीम का फैसला, ठीक है ठीक है, अच्छी गेंद दे, ये तो उसी स्कीम पे चल रहे बच्चों वाली, ओ बता पाल मार बचका नावेद भाई, बचपन में आ गए वही बल्ला वही बुल्ला जैसे बचपन में खेलते थे गलियों में। आसिफ एक बार फिर भाई चार पांच मैच है मेरे ख्याल से, पता नहीं भाई हमें मैच का जून थोड़ा और कम कर लगे है, बॉल पे टिकल्ला काफी बेहतरीन गेंदबाजी करता है ये बॉलर, अब देखना भाई कैसी गेंदबाजी करता है आसिफ की ये बॉल, और बहुत अच्छा शॉट 6 रन, और ये लोग बहुत ही लंबा छक्का लगाने के लिए जाना जाता है,
आजम ने जैसा मैंने पहले ही कहा था, अगर ये खड़े रहे तो सालियर को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। जब तक ये क्रीज पर रहेंगे ऐसे ही शॉट मारते रहेंगे। लॉन्ग ऑफ पे बहुत अच्छा छक्का देखने को मिला भाई। कलियर जीता है करण से, कलियर वाले मैच में। आसिफ एक बार फिर आजम के लिए, अच्छी बॉल, अच्छा सम्मान दिया। सीधा दिख रहा, मतलब सही तो दिख रहा था, मैं देख रहा हूँ। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करता है ये बच्चा, ये देखो। अरे सही तो दिख रहा है यार, इस ओवर के बाद करेंगे। और अच्छी बॉल, एक रन मिलेगा। अब आए यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर, कहाँ से आ रहा देखो, सही तो आ रहा है यार, कौन कह रहा। अब देखना होगा यहाँ से इसे क्या होता है, जूम इन जूम आउट। अपने नाम रख रखा इन्होंने विराट, इनका नाम है रिहान। आज ये चांस जाएगा पब्लिक इनको, विराट की टी शर्ट पहनने से कोई विराट नहीं हो जाता। आप तो समझ ही नहीं रहे कि मैं कितना बड़ा विराट हूँ। फाइनल 1000 देखो वैसे तो। एक बार फिर और अच्छी बॉल आसिफ की, एंगल से डालते हुए लेफ्ट हैंड बॉल आ रहे हैं। मुसाइब से दिखा रहे हैं, चेक कर लें इसे, थोड़ा एडजस्ट कर। हाँ छेड़, वो छेड़ना पड़ गया था थोड़ी देर के लिए भाई, कुछ एंगल में दिक्कत आ रही थी। नहीं नहीं यार, बस एक कह रहा कि चला के छेड़ रहे, मुझे कह रहा हूँ भाई जूम कर दो यार, जूम अभी जूम ही कर रहा था भाई, ऐसा ही हो गया बिल्कुल। ले भाई जूम कर दिया आपका था, बस बॉलर भी दिखेगा बैट्समैन भी दिखेगा। यार यहाँ लगा रखा है आजम की बल्लेबाजी, रामपुर की गेंदबाजी, दूसरा ओवर डालने आएंगे नावेद। तीन दो तो दो मत चाहिए थे, स्कोर कितना हुआ भाई मोनू भाई? स्कोर 14, 3 ओवर में 14 रन, 2 विकेट। अभी बेहतरीन बहुत ऊंचाई से मैच देख रहे भाई, जो पीछे हुआ हाँ खड़ा होकर बता रहा है गौरव, गौरव जो बल्लियों को बैठ दो, लेकिन कोई बात नहीं, मजे पूरे लियो भाई। टंपू की छत ठीक दिख रहा है, अच्छा कमेटी ठीक नहीं आने देगी, बता दो भाई। 77 रन का टारगेट है भाई, पता नहीं भाई, हमें नहीं पता। जूम कम कर दो भाई, जूम ठीक है यार, देखो हमारे हिसाब से तो बॉलर भी दिख रहा, बैट्समैन भी दिख रहा। हाँ भाई ठीक है ठीक है, पता लगता है कब पकड़ बैठा भाई तू, हम सोच रहे थे पकड़ के बैठे थे तू। हुसैन अहमद भाई नहीं भाई, सालियर के जिम नहीं खेल रहा। समाप्ति के बाद 15 रन सालियर का स्कोर, 3 ओवर में 15 रन, 14 रामपुर ने 76 रन बनाए, 76 रन बनाए, 14 रन है और सालियर के 3 ओवर में 14 रन। थोड़ी सी तब्दीली होगी फील्डिंग में, मुखिया को भेज दिया गया मुखिया के स्थान पर, क्योंकि मुखिया वहीं पर फील्डिंग करते हैं, और इकरार को भेज दिया गया है बिड़ान पर। इसके बाद किसी का भी नहीं है, किसी का नहीं है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, टाइम पे तो मौत हो गया, 11:30 बज गए। 77 टारगेट है, 77 खेल तो रहा है भाई आजम, बैटिंग तो कर रहा हूँ स्ट्राइक पे बिल्कुल। राहुल शर्मा भाई कैमरा साफ, कैमरा साफ है यार, बिल्कुल साफ है भाई कैमरा यार, इससे साफ हो गया, इतना क्लियर दिखा रहा बिल्कुल, नट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, टोटल 20 ना हो जाए। और नावेद किया दूसरा ओवर, और कैच आउट का चांस था, कैच छूटा कीपर से और एक्स्ट्रा रन के रूप में एक रन। कैच छोड़ दिया यहाँ पर कीपर ने, बहुत नाराज नूरा, और काबुल ने टाई लगाई पर उनकी पास से बॉल थोड़ी दूर थी। कोई नहीं नावेद, आजम
उसको अब जाना पड़ जाता। अगर आजम चला जाता फिर सालियर वाले भी यहाँ पर धीरे धीरे कदमों से निकलने शुरू हो जाते। सालियर यहाँ तभी तक रहेगा जब तक आजम, इसलिए सालियर वाले यही दुआ कर रहे होंगे आजम अंत तक खेले टिका रहे। और काफी नाराज होंगे कप्तान रामपुर के। और बहुत अच्छी बॉल यॉर्कर लैन नावेद द्वारा, बहुत ही जोश में रामपुर के खिलाड़ी सभी। नाम रखा इन्होंने विराट, नाम है इनका रिहान, आज दुनिया जान जाएगी। ये अपने आप को जताना चाहते हैं कि मैं विराट हूँ, विराट को मुझे, पर दुनिया जान जाएगी हमारी कमेंट्री के बाद इसका नाम रिहान है रिहान। आजम एक बार फिर नावेद की बोल और अच्छा शॉट कवर ड्राइव खेला है और एक रन आराम से मिल जाएगा। राजीव अशरार भाई क्या बेहतरीन बैकअप करते हुए, पर दादा 40 का कहां आ रही हो, ये तो तेरे से छोटा ही है। तो अच्छी पकड़ बनाई है अभी तक रामपुर ने इस मैच में। हरिओम होगा अगर विकेट ले लिए तेरे हो भाई, बढ़िया चल रहा मैच यहां। ओ बहुत अच्छी बॉल नावेद द्वारा, यॉर्कर लैन बिल्कुल समझ नहीं पा रिहान, अच्छी बॉल करते हुए अच्छी गति के साथ अच्छा टप्पा। 2100 रुपए लिए बैठा भाई, लेफ्टी था वो रामपुर का जैसे ने कर रन। हाँ भाई रामपुर का लेफ्टी था वो जिसने कर रन मारते, नहीं यार वो तो वो था शादाब था जिसने रन मारते 58 रन मारते पिछले मैच में। अच्छा शॉट लेकिन एक रन सरार ने बॉल को पकड़ा मात्र एक रन नावेद द्वारा। ये अच्छा ओवर अभी तक गुजरा, पानी पानी दे दियो सरार को, कमेटी वाले तुरंत पानी पिला दे भाई, बहुत तगड़ी कर रहा बेटे। यहाँ से तो सही दिख रहा भाई, अटक नहीं रहा, तुम्हारा नेट खराब होगा भाई। जानवीर भाई बोतल मंगा दीजिए दो। ओ क्या ड्रॉप थर्ड मैन की तरफ मोनू से, बहुत अच्छा कैच, ड्रॉप दो कैच ड्रॉप कर चुके हैं यहाँ पर रामपुर की टीम। यहाँ पर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, अच्छा शॉट था लेकिन बड़ी चतुराई से यहाँ पर फील्डर जमाया हुआ था और कैच सीधा हाथ में था और ड्रॉप किया मोनू द्वारा जो कि अच्छे फील्डर है रामपुर की तरफ से, लेकिन पकड़ नहीं पाए बॉल को, दो अटेम्प्ट में भी पकड़ नहीं पाए। चार ओवर में 18 रन है, काफी निराश होंगे मोनू अपने आप से। जितना आसान मैच दिख रहा था ये सालियर के लिए इतना आसान है नहीं, मैच के अंदर मजा आएगा भाई, रन बनाने इतने आसान नहीं हो रहे अभी, लेकिन सालियर को उम्मीद है आजम पर भाई। ये जो बच्चे छोटे छोटे से खड़े हैं ना सामने, चार ओवर 18 रन, छह ओवर में 59 रन बनाने जा रहा कर फील्डर वहां बॉल पकड़ने गया, तुम आगे आ गए या तुम बाउंड्री से पहले में रन नहीं मिलेंगे, साफ कहना बिल्कुल एकदम। सालियर का जो भी बच्चा पड़ा कोई भी हो भाई, अगर अंदर हुआ माधोपुर का हो या सालियर का, अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाहर होना बिल्कुल। ये खुदा पड़ा है आज पीछे पीछे हो जाओ भाई, नहीं सरार को पानी क्यों नहीं पिला रही कमेटी भाई, मतलूब के यहाँ से बोतल दे रहे, मतलूब मेरी आवाज सुनने तुरंत पानी की बोतल भेज दे भाई, और कमेटी पैसे देगी जावेद भाई, पैसे देगी भाई, एक ही बोतल देनी लगी। काफी निराश होंगे रामपुर के प्लेयर अपने फील्डर से, मोनू ने बहुत आसान से कैच छोड़ा थर्ड मैन की तरफ। चार ओवर में 18 रन, छह ओवर में 59 रन चाहिए अभी भी सालियर को, और ये काम सिर्फ आजम कर सकते हैं सालियर के लिए, किसी और बल्लेबाज में इतना दम कम नहीं है। किस काम के थारी अभी एक भी नहीं चलती, अरे इसकी फतेह का, इसका तो फतेह नु कह रहा था मेरा रखा रखा पुराना होगा तेज का वाटर कूलर, लेकिन हिम्मत इतनी नहीं आई ले आओ नु कह रही अगर चला गया बीच में तेरी करंट ठीक नहीं होने का तुझे
मैं इसी गांव से माधोपुर से समीप को प्रगति पर है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद डालियर का स्कोर इसरार और लेकर आए हैं काफी अच्छे बॉलर पूरी तरीके से रामपुर ने बनाकर रखी है। 6 ओवर में 59 रन चाहिए। यहां पर दुआएं देता हुआ मोनू को कितना बेहतरीन कैच छोड़ा उन्होंने, आसान सा कैच छोड़ा डालियर। यहां पर रामपुर तो खुंदक में होगा बिल्कुल खोलेगा, लेकिन सालियर के बहुत मुस्कुरा रहे, वो कह रहे लाते रहो तू कर। मोनू एक हफ्ता और छोड़ दिया है, ऐसा नहीं होता। इसरार भाई अगर एक विकेट भी लेते हैं भाई तरफ से हमारे 500 रुपए का इनाम। अच्छा इस ओवर में ही थी चार आए बिठा रखा कोहली, 1 रन गिरवा रहे हैं। और ये बैठे रामपुर के किसान भाई, इस बार की वो रिहान के लिए अच्छी बॉल, डॉट बॉल के द्वारा इस बार को ऐसी गेंदबाजी करनी होगी। अगर यहाँ पर दो विकेट, दो विकेट हो गए भाई, दोनों टीम पर राजिक और अरुण के रूप में दो विकेट। पड़ोसी गांव हमारे डालियर रामपुर, आज देखना होगा ये करवट बैठने वाला है। इससे पहला ओवर तो क्लियर की करवट बैठ गया था, मामूल कीपर समझाते हुए अपने फील्डरों को, क्योंकि उस तरफ एक कैच हो रहा है थर्ड मैन की तरफ। दो विकेट भाई एक बार फिर तैयार है यहाँ पर अपने बॉलिंग पर इतना। दो विकेट हुए और अच्छा शॉट रियान के द्वारा वहां पर गैप, लेकिन फील्डर ने आसान दिखाई पकड़ा। शोएब द्वारा अच्छी फील्डिंग और कीपर का अच्छा प्रयास, 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में। रन बनाने का भारी खास आपके द्वारा काफी गंदी फील्डिंग, काफी लंब है इतना वो उड़े तो जा चुकी थी वहां से काफी दूर। फील्डिंग में बदलाव, काफी नाराज, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन दिया क्योंकि 1-1 रन बचाना बहुत मुश्किल। अभी अभी भाई सेमीफाइनल तो वाने, फाइनल का कहां से बता दे। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, नूरा काफी अग्रेशन दिखाते हुए और यहां पर हवा में बॉल, लेकिन उसके पीछे फील्डर थोड़ी दूरी है गेंद और मिस फील्ड, 2 रन आराम से मिल जाएंगे। और ये नो बॉल फ्री हिट, आजम करेंगे स्प्रिट का सामना। अब ये देखते हैं इस मौके को कैसे लपकते हैं आजम, बहुत अच्छा मौका है वापसी करने का अपनी टीम के लिए। ये अच्छी बात है तालियों के लिए, एक बार को बोल विराट कोहली से तो तालियों को उम्मीद नहीं है, उनके साथी यहाँ पर बैठे हैं वो बता रहे हैं। फाइनल का भी नहीं पता, अभी तो क्वार्टर फाइनल भी है, फाइनल भी है, सेमीफाइनल भी है। इसरार की ये गेंद नो बॉल और फ्री हिट है, ये स्लो बॉल, अच्छी बॉल डाली इसरार ने, बल्लेबाज की पहुंच से बहुत बाहर, बॉल बाहर लगकर अंदर आई, ऑफ स्टंप की तरफ बॉल। इसरार अगर इन दो गेंदों पर एक विकेट निकालते हैं, किसान की तरफ से 500 रुपए। इसरार की ये बॉल आजम के लिए राउंड द विकेट, और अच्छा शॉट, गैप में खेला गया शॉट, 4 रन, बहुत अच्छा शॉट, कवर की तरफ खेला गया शॉट, 4 रन। आजम काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, इसरार ने इस फील्डर को कहा था इधर ही। हर बॉल पर रोमांच बढ़ता हुआ,
और अच्छी बॉल इशरार द्वारा, और ये मिस फील्डिंग एक बार फिर। काफी नाराज इशरार अपने फील्डर से, बहुत बुरी फील्डिंग, बहुत एक सा रन देते हुए रामपुर के प्लेयर मिस फील्ड करते हुए बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। नाराज तो होगा ही बॉलर। अब देखना होगा, काफी अग्रेशन आता हुआ रामपुर के प्लेयर्स में। आजम खेल रहा भाई अभी। ओ बहुत अच्छी बॉल इसरार की, स्लो बॉल, चकमा दिया आजम को, पहले बल्ला घुमा दिया, सही किया नूरे ने, एक्स्ट्रा के रूप में एक रन, क्योंकि रामपुर वाला जो भी घर मार रहा है वो एक्स्ट्रा रन ही दे रहा है। दो विकेट हुए भाई। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, पांच ओवर में 31 रन, काफी महंगा साबित हुआ। अभी तक रामपुर की तरफ से अभी भी पकड़ा हुआ है रामपुर ने सालियर को। इस ओवर में 13 रन आए, 13 रन आए इस ओवर में, काफी महंगा ओवर रामपुर के लिए। बेहतरीन रहा ये सालियर की तरफ से, सालियर वाला खेमा इस ओवर से खुश होगा थोड़ा सा। 13 रन इस ओवर में, पांच ओवर में 31 रन और पांच ओवर में 40 रन चाहिए। रामपुर के यहाँ पर पांच ओवर में 26 रन थे और सालियर के पांच ओवर में 31 रन, पांच ओवर में 40 रन चाहिए। वैसे तो रन कुछ है नहीं, लेकिन आज पिच कुछ अलग ही खेल रही है, बैटिंग पिच है बिल्कुल समझ में नहीं आई बॉल लग के, कभी अंदर कभी बाहर, कभी टप्पा ऊपर कभी नीचे। 31, ये भी लो स्कोरिंग मैच हो रहा है पहले की तरह ही, जैसे पहला मैच हुआ साल। भाई तुम्हारा भांजे का नाम बताओ, जब हम बता पाएंगे तुम्हारा भांजा खेल रहा नहीं खेल रहा। किसकी बात कर रहे हैं? पता नहीं। सालियर और रामपुर का मैच है भाई, रामपुर ने पहले बैटिंग करते हुए 76 रन बनाए, 77 रन का टारगेट है। सालियर पांच ओवर में 31 रन पर दो विकेट। उम्मीद तो ऐसी ही है जैसे मंगलोर और कलियर का मैच हुआ था, ऐसी ही उम्मीद है कि ऐसा ही रोमांचक मैच होगा। ये भी काफी बढ़िया है, 30 बॉल पर 46 रन चाहिए। सालियर को चाहिए आजम की बल्लेबाजी, रामपुर को चाहिए आजम का विकेट। कौन आउट हो क्या? दो आउट हुए भाई, राजीक और अरुण आउट हो गए। किसका साथ देती है, रामपुर का या सालियर का? 77 रन का टारगेट है, 77 का टारगेट। दो फील्डर चेंज कर दिए, बाहर जल्दी करो, इसके बाद एक मैच और है भाई। फील्डिंग में एक बार फिर तब्दीली, एक्स्ट्रा के रूप में एक और फील्डर लिया। 5 में 46, हाँ कोई बात, मैं तो बैठा। हाँ बॉलिंग तो वैसे बढ़िया हो रही है भाई, बॉलिंग तो ठीक हो रही है। कैच ना, कैच पकड़ा जाता तो मैच खत्म था। हाँ दो कैच छूट गए इसके, सिंपल सिंपल। पिछले मैच में दो कैच छूटे थे। आजम है, मैं हैदराबाद में हूँ भाई, आजम मेरे भांजा। अच्छा भाई, रामपुर चाहेगा रन बचे, विकेट मिले। इसरार ने मेहनत जरूर की, फील्डिंग ने साथ नहीं दिया और निराश होगा अभी रामपुरी खेमा। वो जो कैच मोनू ने छोड़ा था वो सता रहा होगा रामपुर को, याद आएगा वो कैच तो सपने में भी, अगर रामपुर यहाँ से जीत अर्जित करता है। आसिफ अपने कोटे का आखिरी ओवर, बहुत अच्छे बॉलर है, लेफ्ट हैंड और बहुत अच्छी बॉल आसिफ के द्वारा। इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी, फील्डिंग, अकेले के कंधों पर इतना दबाव रखता है सालियर। बच्चे की कहीं उम्र के साथ साथ ये हाइट घुट ना जाए, फिर उम्र बढ़ती जाएगी, बच्चा ठीक ना रह जाएगा। और थर्ड मैन की तरफ, कैमरामैन की तरफ बॉल आती हुई, खुश होते हुए कैमरामैन के पास जो साथी है वो बाहर जा रहे हैं। बिचका रहा होगा नहीं तो एक हाथ का ले गए रहे, कोई बात नहीं, मैं तो मैं ठीक है ठीक है। अच्छा ये आपकी पर्ची गिरी, अच्छा मैं ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे से रुक नहीं की, बहुत बड़े बोल दी, एक टप्पल ना करिए। Ha ha ha!
बहुत अच्छा जवाब भाई सलमान गौर, बहुत बढ़िया। आसिफ की बॉल और आउट, आउट बाहरी किनारा और आखिरकार एक विकेट। पहले ओवर से छठे ओवर तक एक सफलता मिलती हुई आसिफ को और रामपुर के खाते में एक विकेट। अच्छी बॉल करते हुए आसिफ, कैमरे की तरफ देखो, मेरे मामू बोल रहे हैं जरूर भाई, भाई मैच में डिस्टर्बेंस होगा, वो माहौल ही कुछ हो रहा है यहाँ पे मैच में। विराट रखने के लिए हम आपके जज्बात को समझते हैं, आपके भांजे हैं वो, लेकिन अभी मैच के हालात कुछ और हैं, मैच में डिस्टर्बेंस होगा, कुछ फायदा नहीं उस चीज से। कोई बात नहीं भाई, सुनेरे का मैच पता नहीं यार भाई, कल पता चल जाएगा, स्टोरी पे लगा देंगे यार। हाँ भाई कलियर जीत गया एक रन से। आशु आए हैं बल्लेबाजी के लिए सालिर की तरफ से, काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज, आसिफ डालेंगे बॉल। और ये घुमाया है हवा में बॉल नुराज के नीचे और ये आउट, लगातार दो विकेट। जज्बात में आ गए थे, आंसू छक्का मारने का प्रयास, लेकिन कच्चा शॉट खेल बैठे और आउट। समझ से खेलना होगा, इसकी बॉल कभी अंदर जाएगी कभी बाहर और कभी घूमेगी सीधी। ये बहुत ही बेहतरीन बॉलर है रामपुर की तरफ से। रामपुर ने पूरी तरह से मीच में मैच में पकड़ मजबूत की, लगातार दो विकेट गिर गए और इस बार हैट्रिक चांस। भाई कलियर वाले मैन ऑफ द मैच बॉलर था यार, पतला सा लड़का था, उसका नाम नहीं याद है, उसने एक ओवर में 8 रन डिफेंड किए भाई, 6 रन दिए मात्र उसने, एक ओवर में 8 रन चाहिए तो उसने 6 रन दिए और लास्ट बॉल पे एक विकेट लिया। बल्लेबाज अगर अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक कुछ नहीं कह सकते भाई, सालिर का आसिफ एक नए हैट्रिक कर पाते हैं, दूसरी इनिंग है भाई, अगर आसिफ हैट्रिक 77 का टारगेट है, 500 रुपए का नगद। आसिफ सेफ के लिए बॉल डालेंगे, ओ ये तो आउट हो सकते थे, बच गई। काफी बेहतरीन यहाँ पर कमेटी शुक्र अदा करती है, अपने 500 रुपए बचाए और इतरार शुक्र अदा करता होगा, 2100 बजे इस पे मिल जाए विकेट। नूरा ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, एक विकेट दिलाने में सहायता की थी अपने बॉलर को। आसिफ अपनी गेंदबाजी पर काफी बेहतरीन ओवर आता हुआ, पूरे दबाव में है तालियर की ये टीम। आसिफ की बॉल और बाहरी किनारा लगा है, बाहरी किनारा लगा है, विकेट का पता लेता है आउट। तालियर की टीम वाली मछली फड़फड़ा रही थी, अब खामोश हो गई है। लगातार इस ओवर में 3 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग आसिफ के द्वारा, घुमाते हुए बॉल को 1 रन देकर 3 विकेट लिए, 6 ओवर में 32 रन। अब तो रामपुर ने अपने पक्ष में ये मैच लगभग झुका लिया है, 4 ओवर में 45 रन चाहिए, क्योंकि 4 ओवर में 45 रन लगभग 11 का रिक्वायर्ड रन रेट, 11 से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट, अब तो मुश्किल लग रहा है यहाँ से। मैच को बड़ा जल्दी करा, सेफ आए और सेफ गए समीर गौर। हाँ भाई तौसीफ था वो बॉलर, बहुत अच्छी बॉल डाली थी भाई उसने, लास्ट ओवर किया था, लास्ट ओवर में 3 विकेट लिए उस बॉलर ने। हाँ भाई बहुत बढ़िया बॉलर है, अच्छी बॉल की वो। तालियर वाले या रामपुर वाले दोनों में कोई सा जो इशारों का कहीं बात थे तो मेरी साथ चलिए। चलिए भाई तालियर वाले, अभी आजम क्रीज पर मौजूद है, लास्ट उम्मीद तालियर की। शुक्रिया भाई मोहम्मद शुएब, तस्वीर उठा ले। हाँ भाई सिंबू की टीम बाहर हो गई थी, मैच हार गए थे वो थर्ड राउंड में। नया बल्लेबाज है तालियर की तरफ से मुनीर, देखना है
मुनीर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जिन्होंने ओवर भी डाले थे दो। टूर्नामेंट के अंदर वो हमारे नदीम भाई स्टैंडर्ड टावर निकट रामपुर चुंगी इनका केजरीवाल कौन है भाई? दानिश भाई इस बात का खुलासा करो। दी जा रही है दानिश तुर्क और भाई इसके बाद कोई मैच नहीं है यार, बहुत टाइम हो गया भाई। पौने 12 हो रहे हैं, उसमें 77 रन का टारगेट है भाई, एक रन 77 रन का टारगेट है और 6 ओवर में 31 रन। और सामने की तरफ जो दुकानें लगी हुई है उनमें अंडा मिल रहा है उबला हुआ और बिरयानी कॉफी नदीम भाई के शोरूम में मैन ऑफ द सीरीज की तरफ से दी जा रही है साइकिल। 7,500 रुपए की साइकिल है ये, देख रहे हैं भाई। देखो ये कुछ नहीं कह सकते, कोई क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, किसी का भी दिन कोई भी दिन खराब हो सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है कि कौन फाइनल जीतेगा। 6 में 32 और 4 में 46 रन चाहिए, 4 ओवर में 46 रन, 11 से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट। और इसरार आए हैं अपने आखिरी ओवर लेकर और ये कैच नूरेकर और ये आउट और आजम आउट हो गए। रामपुर के लिए बहुत बड़ा विकेट, नूरे ने वो काम किया अपनी टीम के लिए, सारी बहुत अच्छी बॉल हो चुकी है, जो सालियर की जो आखिरी उम्मीद थी आजम वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर रामपुर के दर्शकों ने काफी हर्षोल्लास और ये खुशी का माहौल रामपुर के लिए, काफी बड़ी सफलता, पटाखों की बरसात होती हुई। जो तुम्हारे पास में तुम्हारे जाने वाला कोई ऐसी लग रही है केजरीवाल बना दिया भाई मुझे वो ठीक है नहीं भाई बराबर प्यार बराबर नहीं मिला अच्छा जी भाई मुस्तकीम के साहबजादे बिल्कुल। एक बार फिर इसरार कादिर के लिए काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए इसरार और बहुत अच्छी बॉल, बिल्कुल समझ में नहीं आया कादिर के। रामपुर ने लगभग अपने मुट्ठी में मैच कर लिया है, 70-30 का मैच रह गया है अभी। कर दिया इसरार की ये बॉल कादिर के लिए, अच्छा शॉट और गैप में खेला गया चोट, 4 रन, बहुत अच्छा शॉट कादिर, अच्छी बैटिंग था, दम रखते हैं, अच्छी बैटिंग का दम रखते हैं, वो लंबे शॉट लगा सकते हैं। इसरार की ये बॉल ओ शॉट बॉल, बहुत अच्छी बॉल। हाँ भाई बहुत पटाखे फोड़े उन्होंने भी। हाँ भाई कादिर है जो खेल रहा है समीर कौर इनकी तरफ से, ये मैन ऑफ द सीरीज दी जा रही है। और इस बार की ये बॉल कादिर के लिए और अच्छा शॉट का प्रयास, लेकिन बल्ले के नीचे हिस्से पर लगी, मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग शोएब के द्वारा और ओवर की समाप्ति नहीं, ओवर की समाप्ति नहीं, पहचान लेते हैं हम इसको, बोल रही गई लाल टोपी का इनको शौक है लाल येलो। रामपुर तो भाई बहुत तगड़ा खेल रहा है यार, रामपुर बस जीतने ही वाला है समझ लो तुम। मेन बल्लेबाज सालियर का आउट हो गया और रन अभी चाहिए बहुत। कल लाल यूनिफॉर्म में आए थे, आज नजर नहीं आ रहे लाल में। आजम आउट हो गया भाई, शाहनवाज मलिक घुमाया बॉल को, अच्छा शॉट उसके नीचे फील्डर, देखते हैं क्या होता है। मुखिया ने और 6 रन, हाथ पर बॉल लगी और 6 रन, बहुत ऊंचा कैच था, बहुत मुश्किल कैच था, प्रयास भी बहुत अच्छा था लेकिन सफल नहीं हो पाए और 6 रन बाउंड्री बॉल के बाद, बॉल बाउंड्री के बाद, माफ करना। अभी भी रोमांच मैच में बाकी है, कादिर
अच्छे शॉट खेलते हुए तस्लीम भाई ओवर हो गया, ओवर की समाप्ति। कितने ओवर में? सात ओवर में, दस सात में 43 रन, 43 सात ओवर में मात्र 34 रन चाहिए तीन ओवर में। अभी भी ये मैच कहीं गया नहीं है, तीन में 34 है, 50 का जा रहा पूरा, 11 का जा रहा भाई, 11 से ऊपर का जा रहा। पिच कबूल भाई, हम तो रन देर बढ़ते थे भाई, तने नहीं ठीक रहते, सामने वाली को बढ़ते नहीं। तीन में 34 जा रहे हैं, तीन ओवर में 33 रन चाहते हुए 34। सात में 43 रन है और तीन में 34 रन चाह रहे हैं भाई। 18 बॉल 34 रन, लगभग 12 का रिक्वायर्ड रन रेट। आसिफ अपना आखिरी नहीं, शोएब अपना ओवर डालेंगे, लेफ्ट हैंड बॉलर, अच्छी बॉल डालते हैं वो भी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं जो पिछले ओवर कुछ गुजरे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शोएब ओवर द विकेट, ओए बहुत अच्छी बॉल शोएब द्वारा, 18 बॉल 17 बॉल 34 रन, पांच छक्के और एक चौका चाहिए अभी भी, 17 बॉल बाकी अभी इस ओवर में रन आएंगे जहां तक मुझे लगता है। और अच्छा प्रयास था रन आउट होने से बचे, शोएब की अच्छी बॉल, काफी अग्रेशन रामपुर की टीम में देखने को मिलता हुआ। खैर मकदम आपका, और अच्छी फील्डिंग स्लिप के द्वारा, बहुत अच्छी फील्डिंग, चौका रोका इन्होंने, वन बाउंस। लगातार अच्छी बॉल, चार बॉल कोई रन नहीं, बल्ले पर भी टच नहीं हुई अभी तक बॉल। कादिर प्रयास तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बॉल करते हुए शोएब, और बहुत अच्छा कैच थर्डमैन पर, और कादिर आउट, बहुत अच्छा कैच पकड़ा यहाँ पर थर्डमैन की तरफ। हेलो 15 मिनट और बस, यही इंटर में होगा, आज अपने अपना विकेट क्यों दिया, राजीव ने अपना विकेट क्यों दिया। नावेद के ओवर पूरे हो गए भाई जूनियर, और ये मैडन ओवर की तरफ ओवर जाता हुआ, 11 बॉल 34 रन, शोएब का ये ओवर बहुत अच्छा जाता हुआ, बहुत बड़ा योगदान है आपका, बहुत ही बड़ा दिल। माफ करना 13 बॉल थी वो, 13 बॉल 34 रन, अब चाहिए 12 बॉल पर 34, 17 का रिक्वायर्ड रन रेट, 12 बॉल पे 34 रन चाहिए, 5 विकेट हो गए भाई। आजम, राजेश और राजिक और अरुण और एक का नाम नहीं, आशु, एक आशु, ओहो मोनू ओवर निकालेंगे अपना, अच्छी बॉलिंग करते हुए मोनू, पहला ओवर बहुत ही अच्छा डाला था, मात्र 2 रन दिए थे इन्होंने,
भाई एजाज तो फिलहाल अंपायरिंग कर रहे हैं। एजाज आ गया भाई कश्मीर से। जो फाइनल मैच होगा फाइनल मैच टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा। जो बाहर से टीम मंगवाई जाएगी उसको लाइव दिखाने के लिए वो बाहर से मंगवाई जाएगी टीवी पर उसको लाइव दिखाया जाएगा फाइनल मैच को। हम आपको सूचित करते हैं कि सूचित कर दिया जाएगा फाइनल जो मैच होगा वो लाइव टेलीकास्ट होगा टीवी पर। उसके लिए अलग से कैमरामैन आएंगे, अलग से पूरा सिस्टम आएगा। पता नहीं लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगी इस फाइनल मैच की। चलिए एक बार फिर मोनू आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मोनू की बॉल और बहुत अच्छी और कर ले, बिल्कुल समझ नहीं पाए। काफी जोश भरा माहौल, रामपुर के दर्शक बहुत जोश और उल्लास में, पटाखे फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। भाई सेमीफाइनल इसी ग्राउंड में होगा भाई, फाइनल जो होगा वो टीवी पे दिखाया जाएगा लाइव टेलीकास्ट। उसके लिए अलग से कैमरा आएंगे, अलग से पूरी टीम आएगी, आपको शुरू से दिखाएंगे। और बहुत अच्छी बॉल मनु द्वारा, हर बॉल पर मैच दूर जाता हुआ सालियर की पकड़ से, और रामपुर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए लगभग मैच अपने मुट्ठी में करते हुए साल रामपुर की टीम। एक बार फिर मोनू और बाहरी किनारा और रन आउट का चांस, लेकिन क्रीज में पहुंच चुके अबू धाबी भाई इसका नाम अब से। मोनू एक बार फिर और अपील बहुत अच्छी, लेकिन शरीर पर बॉल लगी, नहीं लेना चाहते, रन नहीं देना चाहते। एक रन जरूर मिलेगा, अब देखना होगा। भाई सऊद अहमद हम आपको बोलते हुए छेल लग रहे क्या भाई, कमेंट्री करना तो जरूरी है भाई, तभी तो पता लगेगा आपको मैच में क्या हो रहा। वो दो बल्लेबाज इस पर आज की वही जाकर समा गए टर्नआउट में, जब वो जाकर समा जाएंगे फिर तो सारे ये बस यही चाहते हैं कि अब जीतना मुश्किल है। मोनू एक बार फिर बॉलिंग कराएंगे, बहुत अच्छी बॉल, प्रयास अच्छा था लेकिन बल्ले के निचले किनारे पर लगी और दो रन का प्रयास और अच्छा बैकअप थर्डमैन द्वारा। सालर का खेमा जाता हुआ, लगभग हार सुनिश्चित हो चुके उनकी, क्योंकि एक ओवर में चाहिए 31 रन। अट्ठाईस माफ करना, एक ओवर में 28 रन। पांच छक्के लगाने होंगे अगर ये मैच जीतना है। कोई बात नहीं यार, साथ जाए चाहे अबू धाबी हो, ग्राउंड है भी। चलिए तैयार यहाँ पर शोएब लेफ्टी बॉलिंग का बाल संभालना है। आखिरी ओवर 6 बॉल पर 28 रन, मात्र 2 बॉल उन्होंने अगर खाली निकाल दी तो ये मैच उनकी पकड़ में आ जाएगा। और ये कैच, कीपर ने कैच पकड़ा, मामूल कीपर जो लगभग पूरी तरीके से अब सालियर ये मैच हार चुका है लगभग, और जश्न मनाने के तैयार रामपुर का खेमा। सालियर के दर्शक अपना ताला बदलते हुए वो कह रहे हैं अब हम रामपुर की तरफ जाकर खड़े हो जाएंगे, दल बदल लिया उन्होंने।
सालियर के थोड़े से दर्शक अपना दल बदल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो रामपुर की तरफ जाके खड़ा हो जाऊंगा जब जश्न मनाएगा रामपुर। ठीक है भाई, ध्यान रखे। हाँ भाई, क्रिस गेल भी आ रहा है मैं फाइनल में। कहाँ जा रहा साले रही है यार। नमीबिया से, नमीबिया से भी अच्छी हो गया, इंटरनेशनल लेवल की टीम है वो, उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। हाँ भाई हार ही गए। ओ और ये हार सुनिश्चित होती हुई सालियर की मात्र ऑप्शन बन गई है। शोएब की है बॉल और एक आउट। आउट आउट और रामपुर ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। रामपुर जीतता हुआ है मैच। बहुत अच्छी बॉलिंग की, टीम को वापसी कराई पहले ओवर में। बहुत अच्छा है मैच हुआ और रामपुर ये मैच आसानी से जीत गया 27 रन से। आसिफ को दिया गया मैन ऑफ द मैच। बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने आजम का विकेट लिया। आपको 6 बजे तक के लिए। अस्सलाम वालेकुम।